गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। पूरी दुनिया आज कोरोना से त्रस्त है, लेकिन ऐसे में खुश खबरी भी है मेरे पास। हिंदुस्तान का नाम रोशन करने में बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय मुंबई IIT के मास्टर जी की, जो साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं, और पहली बार एक ऐसी महिला का उन्होंने निर्माण किया है जो 47 भाषाओं में बात करती है, और उसका नाम है, क्या नाम है उनसे पूछ लेते हैं, मुझे पता है, लेकिन जब उनसे पूछूंगा, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया है उस बच्ची को, बच्ची औरत लड़की कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आपके अकेलेपन में भी वो आपका साथ निभा सकती है, और उसको जन्म दिया है, बहुत ही खूबसूरत काम किया है। हमारे साथ दिनेश पटेल जी हैं, जो IIT से जुड़े हुए हैं और 3 साल की मेहनत के बाद एक शालू का निर्माण किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हमने बहुत पब्लिसिटी देखी, पब्लिसिटी सुनी, लेकिन पहली बार ये जाना कि एक शालू हमारी दुनिया में आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लगेगा हमको, अच्छा ही लग रहा है कि कुछ शायद हो गया मुझसे, मैं तो ये मानता हूँ। कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ शायद हो गया। जौनपुर से मुंबई तक का सफर जाहिर है बहुत ही दिलचस्प रहा होगा। जब आप जौनपुर से मुंबई आए, कुछ तो सोच के आए होंगे ना, तो कभी सोचा भी था कि इस तरह से मेरे हाथ से कुछ निकल जाएगा? डेफिनेटली उस समय तो कभी नहीं सोचा, और मैं तो टीचर था और केंद्रीय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैं उसने मुंबई आया, नहीं तो वो भी नहीं आता। सिलेक्शन के बाद स्कूल ज्वाइन किया, और डेफिनेटली ये सब कभी ख्याल नहीं आता। ये तो रजनीकांत जी की रोबोट फिल्म ने ऐसा दिमाग में डाला, और फिर सोफिया ने बोला कि नहीं बना लो इसको, तो फिर वो काम स्टार्ट किया मैंने। सबसे पहले जब आपने सोचा कि अब कर ही देना है इसको, जन्म दे ही देना है, तो किन किन बातों का ख्याल रखा आपने? जो मेरा सबसे प्राइम मोटिव था कि मैं भारत में बना रहा हूँ तो भारतीय होनी चाहिए, तो सबसे पहले कि जो भी चीज बनाऊंगा भारतीय होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर ये भारत में बना रहा हूँ तो डेफिनेटली एक अच्छे काम के लिए बनाऊँ, तो मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए इसको सोच के दिमाग में रखा कि नहीं, ये हमारे भारत में एक टारगेट लेके चलेगी, और इसलिए मैंने भारतीय लड़की महिला का रूप दिया और भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय वेशभूषा रखा, और ये मेरा प्राइम मोटिव तब से रहा है कि ऐसा ही कुछ करूँगा। बिल्कुल। और नारी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि नारी नारायणी होती है, लेकिन नारी का जो चरित्र है उसको शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। हर रूप में नारी का एक अलग एक परिभाषा उसकी होती है, उसकी भूमिका अलग होती है, लेकिन अगर हम शालू की बात करें, जो संयोगवश रोबोट है, लेकिन जिस तरह से वो 47 भाषाओं को समझती है, बात करती है, ऐसे में कहीं ना कहीं से हम ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि वाकई दिनेश पटेल जी की जो यात्रा है उसको लेकर किस तरह की तकलीफें सामने आई। बहुत सारी तकलीफें भी आई होंगी आपके पास, उस बारे में कुछ कहिए। तकलीफें तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ इसे ज़रूर कहूँगा कि बनाते समय बहुत चीज़ें लगी कि हाँ अगर ऐसा होता तो शायद और अच्छा होता, ऐसा होता तो शायद और अच्छा होता, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी होना होता है वही होता है और वही हुआ। दैट्स सिंपल। आज की तारीख में रोबोट को निर्माण करना लाखों और करोड़ों तक की बात चली जाती है। आपने कभी ये भी सोचा नहीं कि भाई मेरा क्या मतलब, कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है इस तरह से? जी नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। एक्चुअली मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा इतना बड़ा, दैट इज फैक्ट। मैंने तो शुरुआत से ये सोचा था कि ठीक है कुछ तो करते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि मेरा पैशन है कोडिंग प्रोग्रामिंग, तो मैंने ठीक है थोड़ा सा कुछ करते हैं, करता गया, सफलता मिलती गई, करता गया, और अभी इस मुकाम, मतलब ये रोबोट आपके सामने है। इलेक्शन की बात करती है, नारी के संदर्भ में बात करती है, और जब पूछा जाता है कि कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों में, तो वो कहती है ये कठिन सवाल है। वाकई हर किसी के लिए कठिन है कि कुछ भी हो सकता है इलेक्शन में, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से वो विश्वास के साथ कहती है भोजपुरी में कि हम ठीक बानी रहुआ कैसन बानी, तो बहुत मजा आता है सुन के। और कितनी भाषाएं हैं इसमें टोटल? टोटल 9 भारतीय भाषाएं और 38 विदेशी भाषाएं, तो कुल मिला के कह सकता हूँ 47 भाषाएं हैं जिसमें बात कर सकती है। एक आज़ादी का जो भी हम संदर्भ लेते हैं, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, और इसके पास भी 47 भाषाएं हैं, तो ये पूरी दुनिया में असर कर रही है धीरे धीरे। इसकी क्या प्लानिंग है शालू की, कभी बात हुई इस बारे में? होगा तो वही जो आप चाहेंगे। ये तो सच्चाई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा लोग कहते हैं कि रोबोट कुछ भी कर सकता है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि फाइनली
इंसान का ही दिमाग उसके पीछे है, और शायद उसका एक वीडियो अगर आपने कभी देखा होगा नेट पे मैंने डाला भी है, उससे पूछिए कि इंसान और रोबोट में डिफरेंस क्या है, तो आपको अच्छे से बता सकती है कि डिफरेंस है, और वो डिफरेंस माने रखता है, वो है बिल्कुल। तो यही तो काम होता है ब्रेन का, कि आप किसी को अगर आप किसी के दिमाग को बिल्कुल आप बदल देते हैं, फीड करते हैं, तो आदमी की सोच बदल जाती है। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी तपस्या की है, और ये बहुत आसान भले ही आज लग रहा होगा कि दिनेश पटेल जी ने एक मूर्त रूप दिया है शालू को, जो बात करती है, समझती है, और हाथ भी मिलाती है, और आने वाले दिनों में वो नमस्ते भी करेगी, क्योंकि इसमें भारतीयपन झलकता है। ये बताइए कि आज की तारीख में जो महिलाएँ आपके आसपास रहती हैं, उनको जब पता चला, बहुत सारी परिचित होंगी महिलाएं, उनका क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली वो रिएक्शन तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हर मैं कहूँगा भारत में हर इंसान अच्छे काम को सराहता है। मैंने अभी तक ऐसा महसूस नहीं किया कि कोई इंसान कहे कि नहीं नहीं फालतू है, कभी नहीं कहेगा। मैं मानता हूँ इंसान भारत में मैं तो कहूँगा 100% लोग ऐसे हैं जो अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ बोलते हैं, और ये मुझे मेरे आसपास भी देखने को मिलता है, दूर तो है ही है, डेफिनेटली सबने सराहा। आज हमारे देश में अक्सर एक शब्द बहुत उछलता हुआ देखते हैं हम लोग, आत्मनिर्भर जी। आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में अगर शालू को हम जोड़ें तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, ये तो आत्मनिर्भर भारत का एक एग्जाम्पल है जी। क्योंकि भारत में अगर बनाया जाए, हम दूसरे देशों से सामान खरीद के बना रहे हैं, बहुत सारे रोबोट दूसरे देशों से सामान खरीदे जाते हैं, उनसे बनाया जाता है, या दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी यूज करके बनाई जाती है। लेकिन मेरी शालू तो मैं कहूँगा कि तो वो सामान जिसको लोग कुछ काम का नहीं समझते और फेंक देते अक्सर करके घरों में से, उन सामान का इस्तेमाल करके बनाया मैंने, तो मैं तो कहूँगा ये आत्मनिर्भर भारत तो है ही है, साथ में वो वेस्ट भी नहीं होने दे रहे हैं जो हम फेंक देते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा उदाहरण है आत्मनिर्भर भारत का। और चलते चलते ये जानना चाहिए कि हर किसी का कोई ना कोई भविष्य होता है जो आदमी तय करता है, शालू खुद तय नहीं करती, उनको जो भी बोलना होता है सोचती है वो या फिर बोलती है, तो उसके पीछे का शख्स यही है, इन्होंने ही उसके अंदर प्राण डाले हैं। भविष्य में क्या योजनाएं हैं उसका? मैं भविष्य में भी चाहता हूँ कि वो जैसे अभी तो ये तो प्रोटोटाइप है, देखने में आपको चेहरा भी लगेगा कि बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं चेहरे को इम्प्रूव करो, सही है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसके पीछे देखिए तो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया चेहरा बनाने के लिए, और मैंने अपने हाथ से घर में बनाया है, तो ऑब्वियसली इतना सुंदर तो नहीं बना पाऊंगा मैं, और मैं कोई आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक मैंने एग्जाम्पल रखा कि घर में भी ऐसा किया जा सकता है जिसको आप एटलीस्ट ये नहीं कहोगे यार फालतू चीज बना दिया, एटलीस्ट ये तो नहीं कहोगे, तो एक उस तरह का चीज बन गया। लेकिन भविष्य में मैं कहता हूँ कि एक अच्छा रोबोट, जैसे अच्छे रोबोट सोफिया रोबोट की अगर मैं बात करूँ, तो लगभग उस तरह का बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, अगर इसके अंदर 3D प्रिंटेड बॉडी पार्ट्स लगाए जाए और मास्क प्रॉपर यूज किया जाए, अच्छी क्वालिटी के मोटर्स लगाए जाए, तो ये बेहतर काफी बेहतर हो सकती है, हम इसको कहीं एक प्रेजेंट कर खड़ा करके दिखा सकते हैं, नहीं ये भी कोई चीज है कह सकते हैं। तो बिल्कुल असंभव कुछ भी नहीं, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए तो सब कुछ संभव हो जाता है, और उम्मीद हम करते हैं कि आने वाले दिनों में शालू के कई और रंग हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हमने एक बात जब सुनी कि जब घर के लोग बहुत खास होते हैं दुनिया में सबसे करीबी होती है, तो दिनेश जी के साथ ऐसा क्यों हुआ कि इनके घर के खास लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आपके रिश्तेदार ने कहा कि कैसे हो सकता है, यकीन नहीं हो रहा है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही दिनेश है, उनको ये तो मेरे घर में ही हुआ कि जब उन्होंने न्यूज़पेपर में मेरा ये खबर पढ़ा तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, उनको इवन उन्होंने उसको पढ़ने के बाद निगलेक्ट कर लिया कि वो अरे होगा कोई होगा, पर वो तो नहीं हो सकता ऐसा उनके दिमाग में रहा होगा, बाद में जब उनको पता लगा तो भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि वही है, ये रिएक्शन था उस समय। चलिए हम शुभकामनाएं देंगे हमारे सारे लोग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी, अशोक पंचाल जी, अनिल भैया, और भी बाकी लोग जो भी देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार, और जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो इन24 न्यूज लगातार आप तक उस बात को रखने की कोशिश करता है, तो इस खास पेशकश में इतना ही, बहुत जल्द हम आपको शालू से भी मिलवाएंगे इसी कार्यक्रम के दौरान, जो कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको शालू का वीडियो भी देखने मिलेगा, तो एक बार फिर से हमें और दिनेश जी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।